अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ किरण और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल में चिकन बंस की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है, इसलिए आपने वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4 टेबल स्पून ऑयल, ये डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर मैंने इसको काट लिया था बारीक, ये डाल देंगे। और चम्मच चलाते हुए हमने प्याज को कर लेना लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा अपने को डार्क ब्राउन नहीं कर देना, लाइट ब्राउन ही करना। देखिए यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऑयल में फ्राई करने से इसका तीखापन कम हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 150 ग्राम चिकन। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई करके 2 मिनट हो गए, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास स्पाइसेज हैं, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा, और यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून दादर मिर्च, ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले नीचे नहीं लगे, जले नहीं। और चिकन को अच्छी तरह आपने 2 मिनट भून लेना। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें अदरक लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को आपने 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, सारे मसालों के साथ अच्छे से भूने। देखिए चिकन हमारा अच्छे से भून गया, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हमारे चिकन को गलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारा चिकन अच्छे से गल गया। तो यहाँ पर मेरे शिमला मिर्च जिसको मैंने ग्रीक चॉप कर लिया वो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लेकर उसको भी चॉप कर लिया, वो भी डाल देंगे। सब्जियों को आपने चिकन के साथ स्टार्ट पर ही ऐड नहीं कर देना, वरना सब्जियाँ गल जाएंगी, वो नज़र नहीं आएंगी और आपकी सारी डिश ख़राब हो जाएगी। डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस भी ऐड कर देंगे तरीके से, इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग है जो तैयार हो गया, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है, यहाँ पर मैंने ले लिया मोजरेला चीज़ और चेडर चीज़ 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून दादर मिर्च और हरा धनिया, इसको कर लेंगे मिक्स। इससे क्या होगा, आपको ये धनिया और दादर मिर्च को ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा चीज़ पे, साथ ही मिक्स कर लेंगे तो आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ये यहाँ पर हो गया मिक्स, तो इसको भी हम कर देंगे साइड पे। तो यहाँ पर मैंने लिए बन, इसको हम इस तरह से 2 हिस्सों में काट लेंगे। ये देखें, इसको इस तरह से आपने कट लगाना है। और हाथ की मदद से आपने इसको निकाल देना। तो ये देखें हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है। हम इसमें फिलिंग डाल देंगे इस तरह से, प्रेस करते हुए आपने नीचे इसको करते जाना है। फिलिंग को आपने ऊपर तक भर के नहीं डालना। यहाँ पर हम ऊपर से डाल देंगे इसमें चीज़, तरीके से ऊपर से सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर चिकन बन फिलिंग के बाद रेडी है। इस तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ बटर लगा देंगे ब्रश की मदद से, इसको अच्छे से बटर से आपने कवर कर देना। ये देखें इस तरह से बाकी के बंस पर भी बटर लगा लूँगी। देखिए यहाँ पर आपने पैन को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है, मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह से अब हमने ये चिकन बन डाल लें, इनको ऊपर से आपने प्रेस कर लें। और देखें इस साइड से भी हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब हम इसको उठाकर साइड पे कर देंगे और दूसरा बन भी सेक लेंगे। देखें इस तरह से दोबारा इसको प्रेस करते हुए आपने सेक लेना, इससे आपके जो चिकन बन है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अब हम अपने यहाँ पर मैंने चूल्हे को कर दिया लो और बंस को ऐसे रख के आपने
ऊपर से कवर कर देना। और आपने इस तरीके से करना है कि आपका ढक्कन थोड़ा सा बंस के ऊपर हो, बिल्कुल उनके साथ चिपकाना हो। तब हम इनको 2 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर बंस को लो फ्लेम पर पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। हम ढक्कन उठा लेंगे और ये देखिए चीज़ हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।